राजद छात्र नेताओं ने आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। संवाददाता सम्मेलन में छात्र राजद के नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राजद की सरकार अगर बनती है तो बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ छात्र राजद में कई विभिन्न पदों पर कई साथ छात्र नेताओं को मनोनीत भी किया गया। राजद छात्र संघ मोर्चा के द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया जिसमें कई पदों पर युवाओं को मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए छात्र राजद अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को संगठित करने के साथ ही हमारी पार्टी की सरकार विधानसभा चुनाव में बनती है तो बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराई जाएगी, साथ ही एनडीए की सरकार पर कई आरोप लगाए। देखिए, आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल पटना प्रमंडल के जो प्रदेश पदाधिकारी पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें आज हम लोगों ने भोजपुर जिला अध्यक्ष और पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो भोजपुर जिला के जो सम्मानित जो छात्र नेता हैं उनको हम लोगों ने 1 सितंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आकाश यादव जी ने घोषणा किया था, और उसी संदर्भ में आज हम लोग हमने आया और आकर के जो हमारे तमाम जो पदाधिकारी जो छात्र राजद के जिला अध्यक्ष के रूप में भाई अनूप मौर्य जी को हम लोग मनोनीत किए हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में बड़े भाई अरविंद यादव जी बने हैं और विश्वविद्यालय के प्रभारी भी हैं वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय के प्रदेश महासचिव हैं हमारे साथी हैं रवि ठाकुर जी, प्रदेश के महासचिव हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं धीरज यादव जी हैं, और प्रदेश के सचिव गांगुली जी हैं, और प्रदेश के सचिव सह जिला के प्रभारी भोजपुर के भाई चंदन जी हैं। तो तमाम लोगों का मनोनयन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी के द्वारा कमेटी की घोषणा की गई, और ये हम लोग माननीय जो हम लोग के छात्र राजद के संरक्षक के तेज प्रताप यादव जी हैं उनके निर्देश पर ये तमाम कमेटी की घोषणा की गई है। आज हम लोग इसलिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जिस तरह से आज देखा जाए बिहार के अंदर में जिस तरह से छात्र युवाओं को ठगा गया, उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता है कि आज जो छात्र युवाओं के सामने जो बेरोजगारी जो बड़ी समस्या है, नौजवान रोजगार के लिए बिलख रहे हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल, आज से पूर्णतः रूप से आज कमेटी गठित हो गया, और जो हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रजनीश जी हैं पूर्व में इनको विश्वविद्यालय अध्यक्ष का घोषणा किया गया था आदरणीय आकाश जी के द्वारा, और पुनः आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जो आने वाले जो दिन है और जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो हमारा छात्र राष्ट्रीय जनता दल जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर के साथ साथ बूथ स्तर पर जो हमारी छात्र राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम होगी वो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के मुद्दे के साथ लोगों के बीच में जाएगी। जो विश्वविद्यालय की जो कमेटी है वो तमाम विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय में कमेटी का गठन करने का काम करेगी, और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय का जो पैनल है विश्वविद्यालय में जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हो रही हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, इस सवाल पर हम लोग अब आज से हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, और जो पटना प्रमंडल का जो क्षेत्र आता है जो पटना जिला है, नालंदा है।